हेलो डियर फ्रेंड्स, आई एम ग्रीस। वेलकम टू अवर चैनल ग्रीस आर्किटेक्चर। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो 18 फीट बाई 90 फीट प्लॉट साइज प्लानिंग के बारे में, और इस प्लॉट की जो रिक्वायरमेंट थी वो 2 बेडरूम, ड्राइंग रूम और लॉबी एरिया। तो फ्रेंड्स, इसी रिक्वायरमेंट को हमने ध्यान में रखते हुए इस प्लॉट को प्लान किया हुआ है, और क्लाइंट को ये वाला नक्शा बेहद पसंद आया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा। अगर आपका भी घर है 18 फीट बाई 90 फीट में, तो फ्रेंड्स आप इस प्रकार से इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स नीचे रेड बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स, इस तरफ रोड रहेगा और 3 अदर साइड अदर लोगों की प्रॉपर्टी रहेंगी। यहां से हमारी एंट्री है 9 फीट 6 इंच चौड़ी, ये हमारी एंट्री है। सामने पर हमारा स्टेयरकेस ब्लॉक और पार्किंग एरिया है। राइट हैंड पर हमारा पैसेज रहेगा जो कि 5 फीट 4.5 इंच चौड़ा है। यहां आप अपने प्लांट लगाएंगे या फिर आप अपनी चेयर वगैरह डालकर यहां बैठ सकते हैं। यहाँ से एंट्री होती है गेस्ट कम ड्राइंग रूम में। ये हमारा 8 फिट चौड़ा और ऐसे 16 फिट में ये हमारा गेस्ट कम ड्राइंग रूम रहेगा। इस तरफ ये सिटिंग रहेगा और यहाँ एक दीवान बेड पर जाएगा, जिससे कि आपका गेस्ट अगर रात को आपके घर पर रुकना चाहता है तो वो यहाँ आराम से लेट सकता है। ये रहेगा हमारा टीवी यूनिट और यहाँ रहेगा वेंटिलेशन के लिए विंडो। तो यहाँ से प्रॉपर आपके लिए सनलाइट और फ्रेश एयर मिलता रहेगा। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो ये ड्राइंग रूम से लगा हुआ हमारा टॉयलेट रहेगा। गेस्ट के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी, वो पास से ही टॉयलेट को यूज कर लेगा। 4 फिट बाई 8 फिट का ये हमारा टॉयलेट रहेगा। यहाँ रहेगा ये लॉफ्ट और इस लॉफ्ट के थ्रू ही यहाँ हमने इसका टॉयलेट का वेंटिलेशन दिया है, तो यहाँ इसका वेंटिलेशन भी रहेगा। यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो ये हमारा पूरा लॉबी एरिया रहेगा, 16 फिट 10.5 इंच बाई 9 फिट 6 इंच का। और इस तरफ की आप अगर आप बात करेंगे तो ये पूरा लगभग 16 फिट बाई 16 फिट का एरिया बैठेगा। इस कॉर्नर में हमारा टेम्पल रहेगा 3 फिट बाई 4 फिट 7.5 इंच का। यहाँ एक डाइनिंग टेबल दिया है और ये हमारा टीवी यूनिट दिया है। यहाँ रहेगा ओटीएस, जिससे कि हॉल का वेंटिलेशन हो सके। ओटीएस में आप जा सकते हैं, यहाँ से हमने गेट दिया है। ये हमारा पैसेज है जो कि 5 फिट 6 इंच चौड़ा पैसेज है। इसी पैसेज से हमारे एंट्री होती है रूम्स और किचन की। ये हमारा किचन रहेगा 7 फिट बाई 9 फिट का, जिसमें कि ये प्लेटफॉर्म रहेगा। ये हमारा फ्रिज है और यहाँ हमारा गैस स्टोव रहेगा, और ये विंडो रहेगा ओटीएस की तरफ, जिससे किचन का धुआं ओटीएस में निकलता रहे और ओटीएस के थ्रू सीधा धुआं ऊपर की ओर निकल जाए, आकाश की ओर। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ रहेगा बेडरूम। यहाँ से एंट्री होती है 11 फिट बाई 14 फिट का बेडरूम है, जिसमें ये वार्डरोब है और ये हमारा टीवी यूनिट है। यहाँ विंडो दिया है ओटीएस की तरफ, जिससे बेडरूम में भी प्रॉपर वेंटिलेशन है। फिर आप आगे बढ़ेंगे इस पैसेज के थ्रू तो आप यहाँ से एंट्री करेंगे, ये हमारा दूसरा बेडरूम हो जाएगा 11 फिट बाई 14 फिट का, जिसमें ये हमारा बेड, ये टीवी यूनिट और यहाँ फ्रेंड्स ये हमारा बाथरूम है। और यहाँ आप देख रहे होंगे ये हमने एक गेट दिया है, यहाँ हमने एक छोटा सा प्राइवेट रूम दिया है, और प्राइवेट रूम के सामने भी ये बाथरूम रहेगा। जैसे कि कोई अगर बाथरूम को खोलेगा तो वो सिर्फ बाथरूम तक ही सीमित रहेगा, लेकिन आप बाथरूम के गेट को और खोलेंगे तो आप यहाँ प्राइवेट रूम में आ जाएंगे। तो यहाँ आप इसको तिजोरी वगैरह अपना बना सकते हैं। यहाँ रहेगा फ्रेंड्स हमारा विंडो वेंटिलेशन के लिए, जिससे कि आप बेडरूम में कूलर भी लगा सकें और विंडो एसी भी आसानी से लगा सकें। बैक साइड में हमारा ओपन यूटिलिटी वॉश एरिया रहेगा 12 फिट बाई 7 फिट 7.5 इंच का। तो ये काफ़ी बड़ा स्पेस रहेगा, तो आप यहाँ आसानी से अपना वॉशिंग मशीन, फ्रिज और कपड़े
सुखाने के लिए स्टैंड वगैरह रख सकते हैं। इस कॉर्नर में हमारा फ्रेंड्स टॉयलेट रहेगा, जो कि ये भी कॉमन ही टॉयलेट है हमारा, 4 फिट 6 इंच बाई 7 फिट 7.5 इंच का, जिसमें ये हमारा टॉयलेट सीट, ये शावर और ये हमारा हैंड वॉश के लिए वॉश बेसिन रहेगा। तो फ्रेंड्स 18 फिट बाई 90 फिट में ये था बहुत ही शानदार नक्शा। उम्मीद करता हूँ आपके लिए नक्शा अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।